निहारने बाबा साईं के हवाले से कहना चाहूँगा कि वो एक बड़ा नाम ना सिर्फ सिंध का, ना सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि पूरे मुल्क का बरे सगीर कह सकते हैं आपके, बरे सगीर का एक बड़ा नाम है। अपने सूफियाना और अपनी फ़कीरी से उसने पूरी दुनिया को मुतारफ़ कराया, अपनी तरफ मायल करवाया, और उसकी तबीयत या उसकी नेचर, वो एक बहुत ही फ़कीर किस्म के आदमी थे। ना फिर वो प्रोफेशनल या मटेरियलिस्टिक सिंगर नहीं थे, बिजनेस या पैसे के हवाले से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको बताता चलूं कि बाबा साईं जो हैं वो जब स्टेज पे जा रहे थे तो एज अ सिंगर नहीं जा रहे थे, एज अ कॉमेडियन वो कह के जा रहे थे कि मैं एक कॉमेडियन हूं। और जो पहले जो उसने चांस भी लिया था स्टेज पे जाने का, तो वो भी पहले एज अ कॉमेडियन का ही लिया था। अपने किताब में मुमताज़ मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि एक बंदा जो स्टेज पर लोगों को हंसाने के लिए गया, उससे उसके अंदर में क्या आ गया या क्या उसको चीज़ अल्लाह की तरफ से मिल गई, जो हंसाने वाला स्टेज पे वो अपने लोगों को रोनाने लगा। बेसिकली हर इंसान दर्द से भरी एक कहानी है, लेकिन बाबा साईं की दर्द की कहानी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि वो जैसे ही पैदा हुए उसकी वालदा इंतकाल कर गई। और बाबा साईं के हवाले से तमाम हमारे साथ एक दोस्तों की तरह भी थे, कभी कभी डांट भी पड़ती थी। उसका जो ख़ास मोहब्बत से जो ज़्यादा था हम सब भाइयों में से, वो फ़हीम था, फ़हीम अलन फ़कीर। आज वही वजह है कि वो उसके नक्शे कदम पे है, आज वो जो उसका नाम है या उसकी जो पीछे जो छोड़ी हुई चीज़ है उसको कैरी कर रहा है। जानवरों से ख़ास प्यार था, वो उसकी भैंस ही थी। वही वजह है कि जैसे वो कलाम मशहूर हुआ था, अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया, जेके मेहार मेहार मेहार, यानी कि जो भैंस चरवाता है वो उसका नाम मेहार कहते हैं उसको। और बाबा साईं ने शाह साहब की शायरी को एक ऐसे अंदाज में गाया जो हर आम और ख़ास आदमी उसको समझ ले, उसकी शायरी को या उसके मतलब को समझ ले। और पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में उस शाह साईं की शायरी को बाबा ने मशहूर किया और गाया। इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी